डरिएगा मत, आक्रमण लड़िएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर से विवादों में हैं। कमलनाथ ने पुलिस अधिकारी को धमकी दी है। धमकी देते हुए उन्होंने कहा है आपसे हिसाब ले लेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बुंदेलखंड के टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर पहुंचकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है और पिछड़े बुंदेलखंड के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा सरकार से भी 18 साल का हिसाब मांगा है। कमलनाथ ने निवाड़ी में जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि डरो मत, जाओ और पुलिस और अधिकारियों से कहो कि 8 महीनों में हम आपसे हिसाब ले लेंगे। कमलनाथ ने कहा, सभी कार्यकर्ता अपने कान खोले और सुने, अच्छा हिसाब लिया जाएगा। डरिएगा मत, आक्रमण लड़िएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि जो खेल आयोजन अमर सिंह राठौर के नाम पर 41 साल से चल रहा था, उसे आज भाजपा ने साजिशन होने नहीं दिया। ये केवल स्वर्गीय अमर सिंह राठौर का अपमान नहीं, ये प्रदेश के सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, जो चाहे वो कर लो। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह केवल घोषणाओं की मशीन है, भाषण और झूठ बोलने की मशीन है। शिवराज सरकार ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, घर घर में शराब दी, भ्रष्टाचार दिया, महिलाओं पर अत्याचार, शोषण और किसानों को लाठियां दी। आज प्रदेश में भाजपा नेताओं को खुली छूट है, जो चाहे वो कर लें। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है, जो मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब इनका ही भविष्य अंधेरे में है तो कैसे निर्माण होगा हमारे बुंदेलखंड का, हमारे प्रदेश का। कमलनाथ ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, मैं शिवराज सिंह से कहूंगा कि आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाइए और इस तरफ मैं खड़ा हो जाता हूं। आप अपने 18 साल का हिसाब जनता को दीजिए और मैं अपने 15 महीने का हिसाब देता हूं। चुनाव से पहले की ये बयानबाजी अब किस मोड़ बैठेंगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा।